नमस्कार। आज सबसे ज़्यादा जो चर्चा में है वो है केंद्र सरकार द्वारा घोषित नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत सी चीज़ें हैं जिन पर बहुत विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें कुछ कन्फ्यूजन्स भी हैं, कुछ प्रश्न भी हैं और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनका हम समर्थन कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसको दो हिस्सों में बांटते हैं। स्कूल एजुकेशन की हम सबसे पहले बात करेंगे। स्कूल एजुकेशन में जो सबसे बड़ा बदलाव है वो स्ट्रक्चरल जो है चेंज है। स्ट्रक्चरल चेंज मतलब जो है 10+2 की जो पद्धति थी वो जो है समाप्त कर दी गई है, उसके स्थान पर एक नई पद्धति लेकर आए हैं और ये बहुत व्यवहारिक पद्धति है। क्योंकि निजी स्कूलों में तो वैसे भी प्री स्कूल्स की का कंसेप्ट है ही, गवर्नमेंट में भी एक आंगनबाड़ी नाम से कॉन्सेप्ट है ही, लेकिन आंगनबाड़ी का कॉन्सेप्ट जो है वो और पॉपुलराइज हो और अपर क्लासेस तक उसका इसकी अप्रोच हो, रीच हो और उसमें जो मॉडर्नाइजेशन की आवश्यकता हो, इसको ध्यान में रखते हुए जो है एक सबसे बड़ा जो बदलाव किया गया है 5 3 3 3 4 यानी 5+3+3+4 यानी कुल मिलाकर 15 साल का स्कूल एजुकेशन जो है इसमें प्रस्तावित किया गया है। अब हम सोचेंगे पहले तो 12 साल का था, 15 का कैसे नहीं, पहले भी लगभग यही था, लेकिन जो प्री स्कूल्स थे उनको जो है बहुत ज़्यादा फॉर्मल एजुकेशन नहीं माना गया था। फॉर्मल एजुकेशन की शुरुआत होती थी 5th 1st क्लास से, अब शुरुआत होगी प्री क्लास से, PPTs जो निजी स्कूलों में होता है। तो अब पहले 3 साल जो होंगे वो प्री स्कूल कहलाएंगे, यानी जिसमें क्या होगा, जिसमें 1 साल पहले बच्चा स्कूल में आएगा और पहली दूसरी क्लास तक वो है प्री स्कूल कहलाएंगे। पहले 5 साल जो होंगे, पहले 3 साल नर्सरी के और पहली दूसरी क्लास से मिलाकर के 5 साल का एक मुकम्मल पैकेज बनेगा। इसके बाद इसमें 5 साल होंगे, 5 कक्षाएं होंगी, यानी प्री नर्सरी 3 साल की और 2 साल पहली और दूसरी क्लास। फिर तीसरी कक्षा से जो शुरू होगी वो +3 का एजुकेशन शुरू होगा। तीसरी, चौथी और पाँचवीं ये +3 में आएंगी। फिर एक +3 होगा इसके बाद 6वीं 7वीं 8वीं जो कि पहले भी था। फिर एक +4 शुरू होगा, यानी जो है 6वीं 7वीं 8वीं जो है पूर्वी की तरह ही माध्यमिक कहलाएंगी और उच्चतर कहलाएंगी, 9वीं से लेकर 12वीं तक हायर जो है सेकेंडरी एजुकेशन के अंतर्गत आएंगी ये। तो इस तरह 6 से 8 मिडिल, 9 से 12 सेकेंडरी एजुकेशन की उसमें तरीके से इसको परिभाषित किया गया है। और जो है कुल मिलाकर के जो 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं वो प्री स्कूल में रहेंगे और उसके बाद बच्चे जैसे ही 3 से 6 वर्ष का है, जैसे 7 वर्ष का होगा वो अगली जमात में आएगा, यानी कि वो जो है अगली कक्षा की तरफ बढ़ेगा। इसमें दूसरा जो है एक और महत्वपूर्ण जो है स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, जिसे कहें स्ट्रक्चरल चेंजेज जिसको कहें, अधोसंरचनागत जो है ढांचागत बदलाव, उसमें जो है बैगलेस दिवस, यानी ये कोशिश की जाएगी कि हम कितने बैगलेस दिवस साल भर में बना सकते हैं। यानी अभी तो बात हुई है स्ट्रक्चर की, फिर बात होगी सिलेबस की कि हम किस तरह का सिलेबस डिज़ाइन करें कि बच्चों को जो है बोधगम्य शिक्षा दी जा सके और जो है बैगलेस डे यानी बैग का बोझ कम हो। एक बदलाव जो हुआ है वो जवाहर नवोदय विद्यालय को लेकर है। जवाहर नवोदय विद्यालय में जो है कमज़ोर वर्ग को जो है उनकी व्यवस्था की जाएगी। पाठ्यक्रम जो है 21वीं सदी के अनुरूप इनको कौशल विकास और व्यवहारिक जानकारियाँ उसमें जोड़ी जाएंगी। अनुभव आधारित शिक्षण होगा, एक्सपीरियंसेस का महत्व बढ़ेगा, सिर्फ डिग्री डिप्लोमा का नहीं होगा। विज्ञान आर्ट्स के साथ जो है सख्ती नहीं रहेगी, भिन्नता रहेगी। NCERT नया पाठ्यक्रम बनाने के लिए एक अलग से एक NCFSC बनाया जाएगा। और जो कला, शिल्प, योग, सामुदायिक सेवा, खेल, संगीत आदि विषय भी जो हैं गणित हिंदी के विषय के समान रहेंगे। तो इसमें एक बदलाव यह है। एक और महत्वपूर्ण बदलाव यह है 6वीं कक्षा से जो है प्रोफेशनल कोर्सेज, जो वोकेशनल कोर्सेज हैं वो शुरू हो जाएंगे। तो वोकेशनल कोर्सेज यानी सिखाना और वोकेशनल ट्रेनिंग दोनों ही काम 6th क्लास से शुरू हो जाएंगे। एक ये महत्वपूर्ण है स्कूल एजुकेशन में। स्कूल एजुकेशन में जो है इस तरह का रिपोर्ट कार्ड बनाया जाएगा 360 डिग्री, जिसमें कवर हो, यानी सिर्फ एक परीक्षा से किसी बच्चे का मूल्यांकन ना करके उसका असेसमेंट कंटिन्यूस CCE जो कंसिस्टेंट कंटिन्यूस जो एग्जामिनेशन और एवेल्यूशन होता है वो करने की कोशिश की जाएगी।
स्कूल में एक हेल्दी, एक प्लेफुल, जॉयफुल एक माहौल बनाने के लिए कुछ गेम्स, क्विजेज एट्सेट्रा एट्सेट्रा को बढ़ावा दिया जाएगा, यानी एडिशनल एक्टिविटीज़ में जो है बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाना इस स्कूल एजुकेशन में प्रस्तावित है। अब हम चलते हैं हायर एजुकेशन में क्या बदलाव हुए। हायर एजुकेशन में अभी स्कूल एजुकेशन में एक बात और जान लीजिए, फिर हम हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ेंगे। स्कूल एजुकेशन में जो एक महत्वपूर्ण है मेरी ओर से एक दृष्टिकोण ये है कि अगर ये सब कुछ किया जा रहा है तो दो प्रस्ताव और किए जाने चाहिए। पहला एक प्रस्ताव तो ये है कि शिक्षा को राज्य की अनुसूची की बजाय जो है इसको केंद्र की अनुसूची में डाल देना चाहिए, क्योंकि शिक्षा का एक नियंत्रण सेंट्रल लेवल पर बहुत अच्छा हो सकता है। जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, इसके अच्छे उदाहरण भारत के अंदर हैं जो सरकारी शिक्षा में अच्छा काम कर रहे हैं। एक तो ये प्रस्ताव है, ये प्रस्ताव एक संवैधानिक संशोधन का विषय है और बड़ा विचार का विषय है। दूसरा इसमें एक और होना चाहिए कि जो है स्कूल एजुकेशन में जो सबसे बड़ा बदलाव आवश्यक है कि प्राइवेट स्कूल्स में भी वही सारी चीज़ें लागू होनी चाहिए जो गवर्नमेंट में की गई। इसमें अभी थोड़ा सा संदेह है, क्योंकि आपने अंग्रेज़ी को इसमें विलोपित किया है। पाँचवीं कक्षा तक प्राइमरी एजुकेशन जो है उसमें ये कहा गया है कि आप क्षेत्रीय भाषाओं में कराया जाएगा। अगर कोई तमिल का रहने वाला है तो तमिल के जो प्राइमरी स्कूल्स होंगे उनमें तमिल ही माध्यम होगा। अंग्रेज़ी एक विषय के रूप में पढ़ सकते हैं लेकिन माध्यम अंग्रेज़ी नहीं होगा, माध्यम हिंदी नहीं होगी, माध्यम मातृभाषा होगी। जैसे आप महाराष्ट्र जाएंगे तो वहाँ पर जो है मराठी माध्यम होगी, आप पंजाब जाएंगे तो वहाँ पंजाबी माध्यम होगी, आप अगर गुजरात जाएंगे तो वहाँ गुजराती माध्यम होगी। कुल मिलाकर प्राथमिक स्कूल तक जो है माध्यम मातृभाषाएं होंगी। अभी लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि इनमें बोलियों का क्या होगा। जैसे कि उत्तर प्रदेश में 4-5 तरह की बोलियाँ बोली जाती हैं, मध्य प्रदेश में 3-4 तरह की बोलियाँ बोली जाती हैं, छत्तीसगढ़ में एक अलग बोली बोली जाती है। तो छत्तीसगढ़ी को मातृभाषा मान करके छत्तीसगढ़ी में शिक्षण होगा। जैसे मध्य प्रदेश में एक बड़ा वर्ग है जो बुंदेली बोलता है तो क्या बुंदेली में शिक्षण होगा। एक बड़ा वर्ग है जो मालवी बोलता है तो क्या मालवी में शिक्षण होगा। एक बहुत बड़ा वर्ग है जो बघेली बोलता है तो बघेली में शिक्षण होगा। इसी तरह से अवध में अवधी है, जौनपुर तरफ जब जाएंगे, गोरखपुर तरफ जाएंगे तो वहाँ पर पूर्वांचल की जो है भाषा ब्रज है, और इस तरह से भोजपुरी है, और इधर लखनवी है। आप मेरठ तरफ आएंगे दिल्ली की एक अलग टंग है, तो क्या इनको भी कहीं कोई महत्व दिया गया है। ये एक थोड़ा सा विषय है। अब चलते हैं उच्च शिक्षा की ओर। उच्च शिक्षा में एक तो मल्टीपल एग्जिट मल्टीपल एंट्री एक अच्छा काम ये हुआ है। मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट क्या है? मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट ये है कि अभी अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो 3 वर्ष में आपका ग्रेजुएशन होता था, और अगर आपने मान लीजिए फर्स्ट ईयर पास करके 2 साल नहीं पढ़ाई की तो आपका कुछ भी नहीं होता था, वो 1 साल आपका किसी पढ़ाई में किसी अध्ययन में नहीं गिना जाता था। लेकिन अब ये होगा कि 4 वर्ष अगर का इसको कर दिया गया है, अगर 4 वर्ष तक आप पूरा करते हैं तो वो कहलाएगा रिसर्च बैचलर डिग्री, रिसर्च उसमें जुड़ जाएगी, शोध का 1 वर्ष उसमें जुड़ जाएगा। 3 वर्ष में जो है आपको 3 वर्ष पूरे पढ़ाई करते हैं तो आपको बैचलर डिग्री मिलेगी जो नॉर्मली अभी मिल रही है ग्रेजुएशन की, और 2 वर्ष अगर करते हैं तो आपको डिप्लोमा मिलेगा उसी संबंधित विषय में, डिप्लोमा कहलाएगा वो। और अगर 1 वर्ष में आप ड्रॉप हो जाते हैं तो सर्टिफिकेट हो जाएगा। मतलब कि अगर आपने ग्रेजुएशन शुरू किया है तो आपको 1 वर्ष लेकर 4 वर्ष तक कुछ ना कुछ एक प्रमाणन ज़रूर मिलेगा। तो ये एक छोटी अच्छी चीज़ हुई है, क्योंकि अभी क्या था बहुत स्पष्ट है, अगर आप किसी ने ग्रेजुएशन किया, सेकेंड ईयर किया, थर्ड ईयर भी किया लास्ट ईयर, लेकिन लास्ट ईयर में एग्ज़ाम नहीं दे पाया किसी कारण से, तो उसका ग्रेजुएशन नहीं कहलाता था। ग्रेजुएशन अभी भी नहीं कहलाएगा, लेकिन उसकी जगह पर उसको दूसरे सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे, दूसरे तरह के प्रमाण पत्र दिए जाएंगे, जिससे कि वो ये साबित कर सके कि मैंने यहाँ तक किया, और उसकी भी अपनी एक वर्द होगी। एक बड़ा स्ट्रक्चरल बदलाव जो है वो ये किया है, बीएड को 4 वर्ष का कर दिया गया है। बीएड अभी चूंकि एक तरह का ऐसा कोर्स बन गया था जो स्कूल एजुकेशन में जाने के लिए माध्यम बन गया था, और इसकी बहुत बड़ी बड़ी दुकानें खुल गई थी कॉलेज की शक्ल में, तो ये जो है 1 वर्ष का होता था फिर 2 वर्ष का होने लगा, अब इसको 4 वर्ष का कर दिया गया और इंटीग्रेटेड कोर्स रहेगा ये। ये ऑप्ट आप 4th 12th के बाद ऑप्ट कर सकेंगे, 4 ईयर, और ग्रेजुएशन की बात करेंगे 4 ईयर्स का आपको इसमें जो है पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो शिक्षा जो है, शिक्षक होना एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, उस जिम्मेदारी के लिए अच्छी तरह से हम टूल तैयार कर सकें, ये इसमें दृष्टव्य है दिख रहा है।
उच्च शिक्षा में शोध के लिए NRF बनाया गया, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो है, ये राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन जो है ये बड़े प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करेगा। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। ये इसके बाद एक होगा, सबसे ऊपर इसमें होगा HECI, हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, एक सबसे बड़ी होगी। ये जो है मेडिकल और लीगल के अलावा इसका सब पर नियंत्रण होगा। मेडिकल के लिए अपनी जगह पर ऑलरेडी जो चल रही है प्रोसेस वो रहेगी, लॉ के लिए प्रोसेस एज इट इज़ रहेगी, लेकिन बाकी जितने भी हायर एजुकेशन के कंपोनेंट्स हैं उनको HECI के ज़रिए गवर्न किया जाएगा। इसके अंदर जो है अलग अलग तरह की 4 इकाइयाँ बनाई जा रही हैं स्ट्रक्चरल में। इसमें जो 4 स्वशासी इकाइयाँ बनाई गई, एक निकाय बनाया गया है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा, और ये जो निकाय है उसका काम है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक परिषद, ये है नियंत्रण का काम रहेगा। एक बनाया जा रहा है सामान्य शिक्षा परिषद, इसको GEC भी बोल सकते हैं, और राष्ट्रीय उच्चतर के लिए नेशनल हायर एजुकेशन एंड रेगुलेटरी काउंसिल ये बनाई जाएगी, ये सबसे ऊपर रहेगी नियंत्रण के लिए, और मानक के लिए सामान्य शिक्षा परिषद होगी, और फंडिंग के लिए जो UGC की जगह लेगी उच्च शिक्षा अनुदान आयोग, तो इसको यूनिवर्सिटी की जगह पर उच्च शिक्षा जोड़ दिया गया है, तो हायर एजुकेशन HE अनुदान आयोग फंड कमीशन जो है UGC ग्रांट कमीशन हो जाएगा ये। इसके बाद एक मान्यता के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन आयोग बनाया गया है, जो एक्रेडिशंस के लिए मान्यता के लिए इसको गठित किया गया। इस तरह के 4 निकाय अलग अलग काम करेंगे। इसके बाद विदेशी शीर्ष विश्वविद्यालय अगर चाहेंगे तो वो भी अपनी यूनिवर्सिटीज़ में, भारत की यूनिवर्सिटीज़ में अपने सेंटर्स खोल सकते हैं, और वो अपने स्वतंत्र सेंटर भी खोल सकते हैं। यानी 100 जो टॉप हैं उनको, सिर्फ दुनिया के जो 100 शीर्ष विश्वविद्यालय हैं उनको जो है कैंपस खोलने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन उनकी जो गवर्निंग होगी पूरी भारतीय प्रशासन से ही हो सकेगी, भारतीय एजेंसियाँ ही उनको गवर्न करेंगी। विदेशी छात्रों के लिए हर संस्था में इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस अलग से होगा, इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस ISO ये अलग से बनाया जाएगा। एक बनाया गया है इसमें NETF, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, ये महत्वपूर्ण है। अभी तक क्या था, कंप्यूटर को वोकेशनल में हम पढ़ रहे हैं और टेक्निकल को हम इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हैं, अभी इनने डिजिटल के लिए जितना भी टेक्निकल डिजिटल जो एवोल्यूशन हुआ है पिछले 10-20 साल में, उसको एक समय के तौर पर एक अलग एजुकेशन के रूप में इसको NETF, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम नाम से एक अलग संस्था बनाई गई है। इस संस्था के ज़रिए जो है ये संस्था जो है वर्चुअल लाइब्रेरीज़ बनाना और ये सभी तरह के जो है क्षेत्रीय भाषाओं में डिजिटल से जुड़ी हुई जो है टर्म्स को विकसित करेगी, डिजिटल से जुड़ी हुई भाषाओं को, और उनका अध्यापन ये जो है एजेंसी करा करेगी। उच्च शिक्षा में दूसरा सबसे बड़ा काम ये हुआ है कि संकाय विज्ञान के साथ आर्ट्स पढ़ सकेंगे। संकायों का जो भिन्नताएं थी, विज्ञान संकाय और आर्ट्स संकाय, वाणिज्य संकाय, ये सब संकाय सुमिलित होकर के एक संकाय बन जाएंगे, ये सबसे बड़ी उसमें हुई। अगर आप केमिस्ट्री के साथ ड्राइंग लेना चाहें, आप फिजिक्स के साथ अगर हिंदी साहित्य पढ़ना चाहें तो ये पॉसिबल हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बाधा थी, इसने बहुत बड़ी जो है हमारी मानव क्षमता को जो कुंठित किया है। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स हैं जिनकी अभिरुचियां आर्ट्स में और दूसरे सॉफ्ट विषयों में होती हैं, लेकिन वो पढ़ नहीं सकते उनको फॉर्मली। और बहुत सारे ऐसे साहित्यकार हैं जिनकी बहुत अच्छी मेधा है और बहुत अच्छे इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स को समझ सकते हैं वो, लेकिन उनको भी आप जो है वो भी आपके साथ नहीं पढ़ सकते थे। अब हम बात करेंगे इसके अलावा जो है IIT में भी कला वाणिज्य जैसी छोटे छोटे विषय जो है मानवी की विषय जो है पढ़ाए जा सकेंगे। IIT में बहुभाषीय बहुविषयक हो सकेंगे, निजी सरकारी से लेकर एक से लेकर सबके मानदंड शुल्क तय कर सकेंगे, यानी एक ही शुल्क होंगे। उच्च शिक्षण संस्थाएं शोध केंद्र में बदलेंगी, उनका कोशिश ये होगी वहां पर शोध हों बड़े बड़े। और एक NTA बनेगा, नेशनल टैलेंट टेस्ट एजेंसी, जो बन चुकी है ऑलरेडी, MPhil को ख़त्म कर दिया गया, अब नेशनल टेस्ट एजेंसी, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी जो बनी है वही सब तरह की परीक्षाएं लेगी, सिर्फ मेडिकल और लीगल की परीक्षाएं, यानी क्लैट और मेडिकल के लिए नीट को छोड़कर बाकी सब के लिए यही परीक्षा लेगी। तो ये इसमें चीज़ें की गई हैं। बहरहाल आपको बहुत कुछ विभिन्न विभिन्न जगहों से प्राप्त हुआ होगा शिक्षा नीति को लेकर के, लेकिन अभी जो प्रश्न बाकी हैं उन प्रश्नों में सबसे बड़ा प्रश्न ये है, क्या ये निजी स्कूलों और सब तक फैलेगी, एक चीज़। दूसरी चीज़ सिलेबस कैसा होगा, क्या होगा, कौन तय करेगा,
कौन तय करेगा, तय कर दिया, लेकिन क्या होगा, कैसे होगा, इस पर अभी प्रश्न है। तीसरी चीज़, राज्यों को किस तरह से और एम्पावर किया जाएगा ताकि वो अपने यहाँ के एजुकेशन को और ज़्यादा रिच कर सकें, केंद्र की क्या मदद, क्या आर्थिक मददें इसके लिए मिलेगी। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण कि भारत का जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है उसको अब शिक्षा मंत्रालय ही कहा जाएगा, ये इसी सत्र से शुरू होने की उम्मीद है। बहरहाल आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आप तक हमारे मैसेजेस पहुँचते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।